हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी कबाब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले लेंगे चिकन के ब्रेस्ट पीस और उनका कीमा बना लेंगे। आधे कप के बराबर पनीर शामिल करेंगे। हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। इन सारी चीजों को कीमे में शामिल करेंगे। अब कीमे में कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे, दरदरी पीसी हुई अजवाइन शामिल करेंगे, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, गरम मसाला, थोड़ा सा ऑयल, सारी चीजों को कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हाथों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इस तरह छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। अब 70% तक कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। कबाबों को मैंने 70% तक शैलो फ्राई कर लिया है। ग्रेवी तैयार करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे, हल्दी, काली मिर्च, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। अब इस सारे मसाले को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। अब मसाले में 2 चम्मच दही शामिल करेंगे। अब कबाब शामिल करेंगे। कबाबों को 1-2 मिनट भूनने के बाद 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। हांडी कबाब हमारे बन चुके हैं।
हरा धनिया और प्याज शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।